पश्चिम बंगाल के फरक्का में गश्त के दौरान नाव से गिरकर वीरगति को प्राप्त हुए बीएसएफ जवान अमित कुमार का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। वीर जवान की शहादत की जानकारी मिलते ही गांव खड़ड़ सहित पूरे गठवाला खाप में शोक छा गया। पार्थिव शरीर को फुगाना बस अड्डे से गांव में ले जाने के दौरान लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए ग्रामीण अधिकारी और जनप्रतिनिधि बलिदानी के पार्थिव शरीर को लेकर खड़ड़ गाँव पहुँचे। तिरंगे में लिपटा जब बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अपने लाल को तिरंगे में लिपटा देख मां बदहवास थी। पत्नी बबीता, बड़ी बेटी अवनी, छोटी बेटी अंशु व 5 साल का बेटा आरव बिलक बिलक कर रो रहे थे। परिजनों की चित्कार से हर किसी की आंखें नम हो गई। हजारों की संख्या में ग्रामीण बलिदानी के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। अर्धसैनिक बल के जवानों ने वीर जवान को सलामी दी। लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर बलिदानी को श्रद्धांजलि दी। जब वीर जवान के 5 साल के बेटे आरव ने पिता को मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर जवान का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। आपको बता दें, जवान अमित कुमार साल 2005 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। उनकी शादी साल 2012 में बुलंदशहर जनपद के गांव पाली निवासी बबीता के साथ हुई थी। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल में बीएसएफ की 115वीं बटालियन में तैनात थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए अमित समेत बीएसएफ के जवानों का एक दल नदी में नाव से चौकसी कर रहे थे। तभी बीएसएफ जवान अमित कुमार की नौका का भागीरथी नदी के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। इस हादसे में अमित कुमार नदी के तेज बहाव में बह गए थे। बताया जा रहा है कि काफी तलाशने के बाद अमित कुमार का शव 36 घंटे बाद बांग्लादेश से बरामद हुआ। बलिदानी अपने पीछे पत्नी बबीता, 2 बेटी और 1 5 साल के बेटे को अकेला छोड़ गए। शिवालिक जनरल वीरगति को प्राप्त हुए जवान अमित कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, साथ ही राष्ट्रीय सेवा के लिए उनका दिल से धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।